Shabbat, tick, tup, tick, tick, tup, tick, fire, tick. किसी देश को सभ्य रूप से चलाने या देश में शांति का माहौल बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ देश की पुलिस का रहता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले इस सम्माननीय पद को अपने निजी स्वार्थ के चलते बदनाम करने में हिचकिचाते तक नहीं हैं, जिस वजह से बाकी के मुट्ठी भर ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स तक भी जनता की नजर में बदनाम हो जाते हैं। कुछ नाकारा पुलिस वालों की गंदी हरकतों पर हाल ही में हमने एक पार्ट बनाया था, जिस पर आप सभी ने जमकर प्यार और सपोर्ट दिखाया और आशा करते हैं कि उनकी हरकतें देख आपको उनसे बचने की कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिली होगी। आज हम एक बार फिर से उसी कड़ी में अगला पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स शेमलेस पुलिस ऑफिसर्स वीडियो पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये वीडियो देखकर आपको देश की सम्माननीय पुलिस पर उंगली नहीं उठानी है, आपको सिर्फ ऐसे भ्रष्ट और नाकारा पुलिस वालों से बचने की और उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करनी है जो वर्दी पर कलंक है। जुलाई 2019 के दौरान गुजरात के मेहसाना में स्थित पुलिस स्टेशन से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अर्पिता चौधरी नाम की लेडी कांस्टेबल को थाने में लॉकअप के आगे अपना टिकटॉक वीडियो बनाते हुए देखा गया। वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद डीएसपी मंजिता वंजारा ने बिना देरी किए अर्पिता को निलंबित कर दिया, क्योंकि अर्पिता ना तो ड्यूटी के समय वर्दी में थी और ना ही उसने थाने की मर्यादाओं को ध्यान में रखा। वहीं अर्पिता ने पुलिस विभाग से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद एक गुजराती एक्टर के साथ अपना एक हिट सॉन्ग भी रिलीज किया और हिट हो गई। लेकिन फजीहत की बात तो तब हुई जब खुद अर्पिता को निलंबित करने वाले डीएसपी साहिबा मंजिता का एक दोस्त के साथ बनाया वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया। लेकिन उन्होंने सफाई दी ये पुरानी वीडियो है और उन्होंने अपलोड नहीं की थी। खैर, इसके अलावा कई पुलिसकर्मी हैं जो समय समय पर टिकटॉक वीडियो बनाते हुए वायरल हुए हैं। जैसे किसी वीवीआईपी रूट के दौरान नई दिल्ली इलाके में बनाया गया ये वीडियो, जिसमें दिल्ली पुलिस की ये दोनों महिला पुलिसकर्मी उस वक्त ड्यूटी पर तैनात है। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एटा से पुलिसकर्मी संदीप चौधरी और अन्नू के भी कई वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। खैर, ड्यूटी के दौरान तो ऐसी वीडियो बनाना बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या खाली समय में भी इन पर रोक लगानी चाहिए या नहीं, कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। जनवरी 2020 के दौरान दिल्ली में इंडिया गेट के पास दिल्ली पीसीआर में एएसआई पोस्ट पर कार्यरत जय सिंह पीसीआर के साथ सड़क किनारे खड़े थे और उनके पास में कुछ महिला सफाई कर्मचारी सड़क सफाई में जुटी हुई थी। महिला कर्मचारियों को सफाई करते देख एएसआई जय सिंह को न जाने क्या खुजली उठी कि वे महिला के पास गए और कह दिए कि मैडम आपकी लिपस्टिक बड़ी प्यारी लग रही है। बस फिर क्या, यही गलती जनाब के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कमेंट करते ही सभी महिलाओं ने आओ देखा ना ताओ सीधे एएसआई पर टूट पड़ी और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वहीं पास ही में गुजर रहे कुछ लोग भी माहौल गर्माता देख महिला का साथ देने पहुंच गए। अब जय सिंह को समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में वो तुरंत महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, यहाँ तक कि वो उस महिला के पैर तक छूने लगा और कहने लगा कि उससे गलती हो गई, आज माफ कर दो, आगे से वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनाब की हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी और वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई जय सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच भी बिठा दी गई। अगला वीडियो फरवरी 2018 के दौरान सुर्खियों में आया, जब तमिलनाडु के चेन्नई में एक पुलिस ऑफिसर को बाइक से पेट्रोल निकालकर अपनी बाइक में डालता कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। मजे की बात यह है कि जिस बाइक से पेट्रोल चुराया जा रहा था वो सरकारी बाइक थी, वहीं पेट्रोल चोरी में एक महिला भी जनाब की सहायता कर रही है। हालांकि सरकारी पुलिस बाइक भी उसे चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन ऑफ ड्यूटी के समय वो सरकारी बाइक नहीं चला सकता था क्योंकि वो ईमान पसंद पुलिस वाला था। इसलिए ऐसे में जनाब ने ये रास्ता निकाला, जिसके दौरान उसने पुलिस बाइक से पेट्रोल निकालकर अपनी बाइक में डालना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने जनाब की हंसी उड़ाई तो कई उन्होंने जमकर अच्छे अच्छे शब्द भी कहे, जिन्हें अक्सर बीप करके सुनाया जाता है।
ऐसे कुछ कारनामा अंजाम देते हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को एक जागरूक नागरिक ने ठीक पुलिस स्टेशन बिल्डिंग के बाहर रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद वो वहां से मुंह छिपाकर भागते हुए नजर आया। जून 2020 के दौरान बिहार के सारण जिला के छपरा में थाने की गाड़ी चलाने वाले कांस्टेबल वकील रॉय को सरकारी जिप्सी में पेट्रोल चोरी करते हुए रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2016 के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऑन ड्यूटी दारोगा रामकिशोर सिंह की शराब के नशे में झूमती हुई वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि यूपी पुलिस इस तरह कैसे जुर्म का नाश करेंगी। यहाँ दारोगा जी शराब पी तो लिए, लेकिन शराब का नशा झेल नहीं पाए और टल्ली होकर कानपुर की सड़कों पर उत्पात मचाने लगे। रामकिशोर कभी सड़क पर गिरता तो कभी कीचड़ में। काफी समय तक उत्पात मचाने के बाद और कोर्ट परिसर के पास लहराती चाल में चल रहे इस पुलिस वाले को आसपास के लोगों से वर्दी को शर्मसार होते हुए देखा न गया, जिसके चलते उन्होंने दरोगा जी को उठाया और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचाया। बाद में रामकिशोर सिंह पर जांच कमेटी बिछाई गई, जिस दौरान उसे पद से निलंबित कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अप्रैल 2018 के दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक दरोगा को थाने के आगे ही शराब का नशा उतारते हुए देखा गया। जनाब ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कैमरा लिए एक शख्स पर पड़ी, वैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश में कैमरामैन के पीछे भागने लगे, मगर नशा ज्यादा होने के चलते वो उसे नहीं पकड़ पाए। काफी समय तक उत्पात मचाने के बाद महाशय को थाने के ही स्टाफ ने उठाया और बाइक पर बैठाकर मेडिकल टेस्ट करवाने ले गया। घटना के बाद टीकमगढ़ के एसपी कुमार प्रतीक ने बताया कि इस तरह से ऑन ड्यूटी नशा करके उत्पात मचाने वाले राम गोपाल को मेडिकल टेस्ट के बाद तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अगला वीडियो यूपी के फैजाबाद में दर्शन नगर इलाके से आता है। वीडियो में आप देखेंगे एक पुलिस ऑफिसर एक बुजुर्ग महिला को डांट रहा है और गालियां दे रहा है। जुलाई 2016 के दौरान इस बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन पर कब्जा हो जाने के चलते पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर डायल किया और सोचा कि पुलिस आकर उसकी जमीन पर कब्जा होने से बचा लेगी, लेकिन पुलिस ने यहां पहुंचकर उसकी सहायता करने की बजाय उल्टा उसे ही गालियां देना शुरू कर दिया। ओमकार यादव नामक एक दरोगा ने महिला को गालियां दी और अपने साथ थाने ले जाने की धमकी दे डाली। बाद में जब इस बात की खबर एरिया के एसपी संकल्प शर्मा को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दरोगा ओमकार यादव को लाइन हाजिर कर लिया। नवंबर 2019 के दौरान तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिला के पुलिस स्टेशन से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि थाने के रेस्ट रूम में हसन नामक एक एएसआई एक महिला होमगार्ड से मसाज ले रहे। यहाँ सबसे बड़ी बात, ये एएसआई हसन तो बिना वर्दी के थे, लेकिन महिला होमगार्ड मसाज करते समय वर्दी में थी। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एएसआई हसन का जमकर विरोध किया। बाद में जब वायरल वीडियो को खबर एरिया एसपी विजय कुमार को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच बिठाई और एएसआई हसन को सस्पेंड कर दिया। अगस्त 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस स्टेशन पर शराब के नशे में धुत एक कांस्टेबल महाशय ने ये बखेड़ा खड़ा किया। कांस्टेबल थाने में शराब पीने के बाद टुन होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां लड़ाई करने में जुट गए। कांस्टेबल अपने साथ हुई किसी चोरी के दुख में यह शराब पीकर पहुंचा था। थाने में आकर जनाब कहने लगे कि उसने हमारा एटीएम और 10,000 रुपए नकदी चुरा लिए है, लड़ाई क्यों ना करूं। बाद में जब शराब पीकर उत्पात मचाने वाले इस कांस्टेबल की खबर कानपुर एसपी अनिल कुमार को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जनाब को सस्पेंड किया और मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। अब जरा इस होमगार्ड से भी मिल लो, जो हक ना होने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस की आड़ में छिपकर आते जाते लोगों से पैसा वसूली कर रहा है, लेकिन इस दौरान उसका पाला एक समझदार नागरिक से पड़ गया। इस व्यक्ति ने कांस्टेबल को वसूली करते देख तुरंत वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जनाब को आम जनता के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी भी लताड़ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने तुझे पहले ही मना किया है कि तू मत लिया कर, फिर क्यों लेता है, मुझे तो नौकरी प्यारी है, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, चल उनके पैसे वापस कर जल्दी। खैर ट्रैफिक पुलिस वाले के जज्बात शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इन्हें एक बार आप खुद सुनिए। चल अपना पैसे वापस करेंगे, मैंने कितनी बार तुझे कहा हुआ है।
पैसे वापस दे उनके, बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं तू वो करता। तू ये मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। जून 2018 के दौरान बिहार के गोपालगंज में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में आप एक पुलिस ऑफिसर को एक आम लड़के के सामने हाथ जोड़ते और माफी मांगते देख रहे होंगे। कुछ देर तक माफी मांगने से बात नहीं बनी तो जनाब आम युवक के आगे कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर दिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एक पुलिस वाले आम लड़के के सामने इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहा है। तो जानकारी के लिए बता दें, इन पुलिस ऑफिसर महाशय का नाम सहेंद्र रजक है, जो बिहार के गोपालगंज पुलिस थाने में ASI पद पर कार्यरत है और इस लड़के से रिश्वत हड़पने की कोशिश में थे, लेकिन लड़के ने पैसे देते समय जनाब का वीडियो बना लिया और बाद में वीडियो को आगे शेयर करने की धमकी दी। अब ASI सहेंद्र रजक को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तो बस इस तरह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना ही उसकी नौकरी बचा सकता है। लेकिन सहेंद्र रजक की बदकिस्मती से लड़के ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर ही दिया। वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद आला अधिकारियों ने महाशय के घर सस्पेंड लेटर पहुंचा दिया। अब आपने ये तो देख लिया कि आम जनता को गाड़ी चलाते समय भी हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन शायद पुलिस को दुपहिया वाहन पर भी हेलमेट न पहनने की छूट है। शायद इसीलिए जब सितंबर 2019 के दौरान बिहार के बक्सर में एक दरोगा साहब अपनी फटफटिया से जा रहे थे, वो भी बिना हेलमेट लगाए, तभी राजकमल नाम के शख्स ने उन्हें रोक लिया। लेकिन दरोगा रोशन को अपनी वर्दी पर इतना ज्यादा गुमान था कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। जब लड़के ने दरोगा को हेलमेट पहनने के लिए कहा तो पुलिस अधिकारी ने उससे धक्का मुक्की की और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ धक्का मुक्की पर खत्म नहीं हुआ, दरोगा साहब बात बढ़ती देख राजकमल को अपने साथ थाने ले गए और हवालात में डाल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वहीं पीछे खड़े एक व्यक्ति ने पूरे मामले का वीडियो बना दिया, वरना आप जानते हैं पुलिस कैसे रस्सी को सांप बना सकती है। दरोगा जी का ये वीडियो देश भर में आग की तरह फैल गया और हेडलाइंस बनने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद बक्सर के SP ने घटना की जांच शुरू की, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से दरोगा रोशन कुमार को निलंबित कर दिया। ऐसे जिम्मेदार पद होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का ध्यान न रखने वाले दरोगा पर आपके क्या विचार है, कमेंट में बता दो। खैर, वीडियो का अंत नकारात्मक उदाहरण से न करते हुए हम आपको देश में मौजूद लाखों ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में से एक महिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अमलदार रजिया सैयद से मिलवाते हैं, जो एक वायरल वीडियो में पुणे में सड़क पर मोटरसाइकिल के कांच और फाइबर के टुकड़े झाड़ू लगाकर साफ करते हुए दिखी, ताकि इनसे किसी को चोट ना लग जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, लेकिन भविष्य में एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अगर आपके सामने भी कोई व्यक्ति वर्दी को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसका विरोध जरूर करें या उन महाशय का वीडियो बना लें। बाकी इंटरनेट और कैमरास की ताकत से तो आप भली भांति वाकिफ है, और अगर मूड चेंज करना है तो वर्सटाइल वी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर मेरी ही आवाज में आप मूवीज के एक्सप्लेनेशन बड़े मजेदार तरीके से सुन सकते हैं। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखिए।